रबात तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की संदिग्ध मौत की करेंगे, क्योंकि गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले में नया चश्मदीद सामने आया है। कैदी ने तिहाड़ जेल के भीतर से एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अंकित को पीट पीट कर मार डाला गया। इस केस में डिप्टी जेलर समेत 4 जेलकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की संदिग्ध मौत केस में नया मोड़। तिहाड़ जेल से सामने आया चश्मदीद कैदी का वीडियो। मैं अरुण नागर तिहाड़ जेल नंबर 3 से बोल रहा हूँ। मैं अरुण नागर तिहाड़ जेल नंबर तीन से बोल रहा हूँ। मेरा भाई अंकित गुर्जर इन तिहाड़ जेल कर्मियों ने मार पीट करके मार दिया। और क्या नाम है, मैं उस मर्डर का आई विटनेस हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो 16 नंबर 5A की तिहाड़ जेल नंबर 3 5A की 16 नंबर चक्की में बंद 16 नंबर चक्की में थे। 17 नंबर चक्की में हम थे तो हमारे सामने नरेंद्र मीणा, राम अवतार मीणा, दिनेश शिकारा, विनोद मीणा, हरकुल मीणा और क्या नाम है दीपक दवास, इन जेल कर्मियों ने, नवीन एल्लो, इन जेल कर्मियों ने मेरे भाई को मार दिया। मार पीट पीट के मैं उसका आई विटनेस हूँ। इसी चक्कर में इन्होंने जेल कर्मियों ने मेरे को तिहाड़ जेल नंबर 3 पे मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं 3 नंबर जेल में। ये वीडियो सनसनीखेज है। पहली बात तो ये कि देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले जेल के भीतर किसी कैदी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर बाहर भेजा। और सबसे सनसनीखेज दूसरी बात कि कैदी ने सीधे सीधे बिना लाग लपेट के जेल प्रशासन पर हत्या का इल्जाम लगाया है। इस वीडियो से दिल्ली पुलिस में हड़कंप है। कल ही तिहाड़ जेल डीजी के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा समेत 4 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। मीणा पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत 4 अगस्त को हुई थी। आरोप है कि 3 अगस्त को तलाशी में मोबाइल फोन मिलने के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने अंकित गुर्जर को चांटा मार दिया था। और जब पलटकर गुर्जर ने भी मीणा को चांटा मारा तो फिर मीणा ने उस पर इतना बल प्रयोग किया कि उसकी जान चली गई। 3 तारीख की शाम को 16 नंबर चक्की में नरेंद्र मीणा डीएस साहब चक्की लेकर आए। वो अंकित गुर्जर की चक्की थी। मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहाँ से एक फोन बरामद हुआ चक्की से ऊपर से। फोन बरामद करके नरेंद्र मीणा डीएस साहब ने अंकित को बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसने चाटा मारा। जैसे ही चाटा मारा अंकित ने, लेकिन अंकित ने उल्टा चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद नरेंद्र मीणा डीएस साहब चले गए। उसके बाद वो टीएसपी लेकर आए। 30-35 के समथिंग टीएसपी आई। टीएसपी आने के बाद आधे घंटे तक लाठीचार्ज हुई। अंकित गुर्जर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम में न सिर्फ अंकित गुर्जर के जिस्म पर मल्टीपल इंजरी यानी मारपीट के कई निशान पाए जाने का जिक्र था, बल्कि इस रिपोर्ट में मारपीट को ही अंकित गुर्जर की मौत की वजह भी बताई गई थी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।